कैनेडा च उस वेले सनसनी फैल गई जो स्कूलों सोशल मीडिया से धमकी दी गई। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए स्कूलों धमकी दी गई। पुलिस के अनुसार नॉर्थ पार्क सैकेंडरी स्कूल, मैरी कैथोलिक सैकेंडरी स्कूल, लुईस ऑर्बर सैकेंडरी स्कूल, सेंट थॉमस एक्यूनॉस सैकेंडरी स्कूल, बरमालिया सैकेंडरी स्कूल, नैट्रो डैम सैकेंडरी स्कूल के नाम मीडिया से पोस्ट की गई धमकी भरी पोस्ट शामिल है। पील पुलिस ने सोशल मीडिया से मिली इस धमकी तो बाद जांच शुरू कर दी है। दस दी है कि ब्रैंटम के 6 स्कूलों विरुद्ध धमकी भरे टिप्पणी की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सब तो पहला सोमवार को इस पोस्ट बारे जानू करवाया गया सी ते तुरंत खतरे की पुष्टि करने के जिम्मेवार लोगों की पछाण करने लिए अपराधिक जांच शुरू की गई सी। पुलिस का कहना है कि वह पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ते डफरिन पील कैथोलिक स्कूल बोर्ड दोवां नाल भी काम कर रहे हैं। सारे विद्यार्थियों ते स्टाफ की सुरक्षा ते तंदुरुस्ती नूं यकीनी बनाया गया। पुलिस ने एक बयान च कहा, दोवें स्कूल बोर्डां नाल सलाह मशवरा करके सुरक्षा उपाव वधाए जाणगे क्योंकि साडे विद्यार्थियों ते स्कूल स्टाफ की सुरक्षा सब तो महत्वपूर्ण है। साडी जांच सरगर्म रहिंदी है क्योंकि असीं अजिहियां धमकियां नूं बहुत गंभीरता नाल लैंदे हां। दस दिए कि इस तो पहला भी मार्च महीने दीयां छुट्टियां तो पहला भी इस तरह ही एक धमकी भरी पोस्ट सामने आई सी ते जांच तो बाद दो विद्यार्थियों नूं गिरफ्तार किया गया सी। हुण मुड़ एक बार सोशल मीडिया ते स्कूलों नूं धमकी दी गई है। पुलिस का कहना है कि जेकर कोई विद्यार्थी धमकी देने च शामिल हुंदा है तां स्कूल बोर्ड कैथोलिक कोड ऑफ कंडक्ट वालों सख्त कार्रवाई की जाएगी। Subscribe to One India channel and never miss an update.